से तुम्हें खुशी नहीं? क्या मुझे खुश होना चाहिए? ऑब्वियसली खुश होना चाहिए। आसिम, मेरी एक बहुत बुरी आदत है, मैं खुशी की बात तो भूल जाती हूँ, मगर जिल्लत कभी नहीं भूलती। इस बात का क्या मतलब? मतलब ये कि जब उस रात मैं तुम्हारे घर गई थी, जो नफरत, जो जिल्लत मेरे लिए मैंने तुम्हारी अम्मी की आंखों में देखी, मैं जब भी तुम्हारे और अपने बारे में कुछ अच्छा सोचने लगती हूँ, तुम्हारी अम्मी का वही नफरत भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है, जो मुझे खुश नहीं होने देता। इसका मतलब कि तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है? पर भरोसा है आसिम, शायद अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। जब भी मैं खुश होने लगती हूँ, मेरी जिंदगी में कोई खुशी आने लगती है, तो मुझ तक पहुंचने से पहले ही गम में बदल जाती है। मुझे बस इस बात से डर लगता है। नहीं, तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है, और अब कभी किसी गम, नफरत या जिल्लत को तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। हाँ, बस मुझे 2 महीने का मौका दो। 2 महीने में क्या होगा? तुम्हें लगता है कि सब हंसी खुशी हो जाएगा? माफ करना आसिम, तुम्हारी अम्मी और मेरी अम्मा में बहुत फर्क है। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल भी मेरी अम्मी जैसी नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारा दिल रखने के लिए मुझे ओपरे दिल से ही कबूल कर लें। सबके सामने उनकी भाई की बेटी हो, तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, अंगूठी पहनाने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात है, अंगूठी उतारी, रिश्ता खत्म। ये सिर्फ अंगूठी नहीं है, मेरी जबान है तुमसे, वादा किया तुमसे और खाला से। एक वादा तुम अपनी अम्मी से भी कर चुके हो आसिम, क्या उनकी खुशी के लिए कुछ भी करोगे? क्या तुम अपनी जुबान का पास रख पाओगे?